आज कुछ हाइड्रोजन गैस के बैलून भरेंगे, उसके बाद देखेंगे इनके अंदर होता क्या है। हमने क्या लिया है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इस कलर का होता है, मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा। ये एल्युमिनियम पेपर है, एल्युमिनियम फॉइल, जिसका हम खाना वगैरह रोटी वगैरह अपना पैक करने के लिए लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस फॉइल को हमें क्या करना है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कर लेना है इस तरह। इसकी जगह आप क्या है, मेटल वगैरह भी यूज कर सकते हो, कोई भी ढक्कन वगैरह या कुछ भी हो, आयरन के, जिंक के, किसी भी चीज के। फिर हमारे पास ये क्या है, बोतल है। इस बोतल के अंदर इस कास्टिक सोडा को डालना है, और ये पानी इसलिए लिया है क्योंकि ये जब रिएक्शन होगी तो गर्म होगी बोतल, ठीक है। तो उससे पहले हम एक बार इसको इसके अंदर डालते हैं। इसको हम इस बोतल के अंदर डालते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बाद 2 या 3 मिनट के बाद रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी इसके अंदर। इसको इसके अंदर डाल लिया, फिर उसके बाद बैलून यूज करना हमें इसके ऊपर ही। ये हमने बैलून लिया, आप ग्रीन कलर का ले रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हम पानी डालते हैं। आफ्टर 2 और 3 मिनट के बाद ये रिएक्शन शुरू हो गई हमारी। इस बैलून को हम इसके ऊपर इस तरह लगा लेते हैं। आफ्टर 2 और 3 मिनट जो हमारी बोतल है इसके अंदर रिएक्शन होनी शुरू हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस बननी शुरू हो जाएगी, और वो किस में जाएगी, हमारी गुब्बारे के अंदर। और जो गुब्बारा है धीरे धीरे क्या होगा, फूलना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है। इस बोतल को पानी के अंदर क्यों रखा गया है, क्योंकि जब रिएक्शन होती है तो बोतल हीट हो जाएगी। तो कोई भी अगर घर में ऐसा एक्सपेरिमेंट करता है तो ध्यान रहे, जो कास्टिक सोडा है या मेटल है उसकी अमाउंट को ध्यान में रखकर इसका प्रयोग करना है। नहीं तो क्या होगा, आपका बोतल वगैरह अगर प्लास्टिक की है तो पिघल सकती है, शीशे की है तो फूट सकती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा बैलून है वो किस तरह हवा में उड़ता है। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी जा चुकी है, और उसके बाद ये क्या करेगा, हवा में उड़ेगा, उसको अब इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। ये दिख गया,